सनातन धर्म की माने तो भोले हमेशा अपने भक्तों को प्रसन्न रखते हैं, ठीक उसी तरह उनके भक्त भी भोलेनाथ को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बता दें कि कांवड़ मेला शुरू होते ही हरिद्वार में लाखों की तादाद में शिव भक्तों का तांता लग जाता है। ये भक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से हरिद्वार आते हैं और यहाँ से गंगा जल भर कर अपने घरों को लौट आराध्य शिव का जलाभिषेक करते हैं। भगवान शिव पर उनके भक्तों की आस्था इतनी गहरी है कि 300 किलोमीटर की लंबी यात्रा भी उन्हें मुश्किल नहीं लगती। कांवड़ियों का कहना है कि शिव की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। वे कई सालों से कांवड़ उठाते आ रहे हैं और भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। ये कांवड़िए 8-10 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाएंगे। उनका कहना है कि ऐसा करने से उनका दिल और मन साफ होता है। जी आपका? गौरव जैन। कहाँ से आप आ रहे हैं? उत्तम नगर, दिल्ली। कब से आप आ रहे हैं कांवड़? 8 साल हो गए जी। क्या मान्यता है आपकी इसके पीछे, क्यों आप? कृपा है जी, भोले की पूरी। क्यों आते हो कांवड़ लेने के लिए? श्रद्धा है हमारी और बाबा की कृपा, इसलिए आते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बज यही आस्था है, सब कुछ मिलता है जो मांगो मिल जाता है। और क्या चाहिए? सुकून की रोटी चाहिए, सुकून चाहिए, और क्या चाहिए? दौलत नहीं चाहिए यहाँ। ऐसी भी मान्यता है कि अपनी मन्नतें होती है। हाँ जी, मन्नतें पूरी होती हैं, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, जिस रूप में मांगोगे उस रूप में मिलेगा। हमारा भोलानाथ कहता है कि जिस रूप में मांगोगे उस रूप में मिलेगा आपको। हाँ, बहुतेरा मिला है, क्या चाहिए? सुकून की दो रोटी चाहिए, सुकून की नींद चाहिए, आराम से मिली हुई है। कोई लंबा सफर नहीं, 300 किलोमीटर का है। कांवड़ मेला शुरू हुए अभी 3 दिन हुए हैं और लाखों की तादाद में श्रद्धालु देश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं हरियाणा से हरिद्वार आते हैं और गंगा जल भर के अपने गृह जनपद की ओर रवाना होते हैं और वहां पे जाके अपने आराध्य शिव शंकर का जलाभिषेक करते हैं। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।